हमारे क्षेत्र से इन्होंने 500 करोड़ रुपए लूटे। अरे किसको किसको निगलोगे भैया, तुम अजगर बनोगे, क्या बनना चाहते हो? क्या कौन पाया कैसे क्या जरकेर खाऊदे लाग। लफंगे और गुंडे नहीं चाहिए भाई साहब। तो केपी त्रिपाठी, तुम्हारे पास 4 लफंगों के अलावा कोई नहीं बचेगा। ये तुम जिस संगठन को लेके भाग रहे हो ना, मंडल कमंडल फमंडल, ये सब तुम्हारा ही राज आएगा आई साहब, भाई साहब। नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। हमारी खास रिपोर्ट में आज पेश है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से एक समाज सेवी, जन प्रतिनिधि और व्यवसाय से जुड़े ऐसे व्यक्ति के साथ खास चर्चा, जो विगत 4 वर्षों से शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक से प्रताड़ित हैं। हाल यह है कि अब उक्त समाज सेवी को शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक ने जिला छोड़ने को मजबूर कर दिया है। एक मुलाकात में पीड़ित ने स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी के साथ साथ जिला प्रशासन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और स्थानीय विधायक के खोखले विकास और विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने के साथ साथ जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने बात की है सिमरिया क्षेत्र के कारोबारी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए समाज सेवी भागीरथी शुक्ला से, जो इन दिनों माँ गंगा की नगरी प्रयागराज में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं भागीरथी शुक्ला को, जिनसे विधानसभा क्षेत्र सिमरिया के खोखले विकास और अन्य कई मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए गए, जिनके जवाब में श्री शुक्ल ने शासन प्रशासन को जमकर आड़े हाथों लिया है। हमारे क्षेत्र से इन्होंने 500 करोड़ रुपए लूटे। अरे किसको किसको निगलोगे भैया, तुम अजगर बनोगे, क्या बनना चाहते हो? क्या कौन पाया कैसे क्या जरकेर खाऊदे लाग। लफंगे और गुंडे नहीं चाहिए भाई साहब। तो केपी त्रिपाठी, तुम्हारे पास 4 लफंगों के अलावा कोई नहीं बचेगा। ये तुम जिस संगठन को लेके भाग रहे हो ना, मंडल कमंडल फमंडल, ये सब तुम्हारा ही राज आएगा आई साहब, भाई साहब। आज हमारे साथ हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी, व्यवसायी और राजनीति से जुड़े हुए भागीरथी शुक्ला जी। भागीरथी शुक्ला जी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे हैं, जिसके चलते कई बार मामले दर्ज कराए गए, कई ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आपको बाहर रहना पड़ा। हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्षेत्र में जो घटनाएँ घटित हो रही हैं उनमें आपका क्या कहना है, किसके चलते हो रही है और इसकी मुख्य वजह क्या है कि आखिर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जो ये घटनाएं घटित हुई, इसके पीछे लोगों की मंशा क्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक की मंशा क्या है? जी प्रणाम। सिमरिया विधानसभा में 4 वर्षों में वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा हम नई सिमरिया इस क्षेत्र के लोगों में आप देखें, उनके द्वारा यह बार बार हमला करवा देना या मरवाना या प्रताड़ित करना, रीवा ज़िले के माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा अपनी वाहवाही लेना 110 के व्यक्ति के ऊपर, जिस पे 110 जब चुनाव आता है तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर 110 की कार्रवाई की जाती है, तो चुनाव के समय जब आचार संहिता लगती उसी समय करना चाहिए, पर उस समय न करके चुनाव के बाद किसी भी व्यक्ति के ऊपर 1 प्रकरण दर्ज हो और 10 प्रकरण दिखा के फर्जी करके और उसको जिले से बाहर, एक नहीं दशक लोग हमारे सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत, एक शर्मा गरीब परिवार जिसके सांस सुबह रोटी नहीं को नसीब नहीं होती, ललई शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा, उसको भी चूँकि वो कांग्रेस पार्टी का था, मैं भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी भी कांग्रेस पार्टी से सिमरिया नगर पंचायत चेयरमैन थे, मेरे मिसेज भी जनपद पंचायत सिरमौर की जनपद अध्यक्ष थी, सॉरी जनपद सदस्य थी, और जनपद सदस्य कांग्रेस पार्टी से थी,
उन्होंने 7 साल जमकर जनपद में विपक्ष के रूप में काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी जनपद के अंतर्गत ऐसा कोई काम नहीं हुआ और ना ही विधायक जी के द्वारा हुआ। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में के लोगों का कहना है कम से कम 150 मामले फर्जी दर्ज कराए गए, क्या लगता है आपको किस तरह से फर्जी मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी, इसके पीछे कौन? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है कि सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत चाहे वो साहेबपुर चौकी हो, चाहे वो चचाई चौकी हो, चाहे वो आपके चौराटा थाना लगता हो, चाहे सिमरिया थाना लगता हो, यहाँ पर क्या है कि विधायक जी ये चाहते हैं हर व्यक्ति को कि ये व्यक्ति मेरे साथ चले, और जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चल के अपने पद चिन्हों को चलते हुए कार्य करना चाहता है तो उसको विधायक जी सिमरिया के पी त्रिपाठी द्वारा फर्जी अपने लोगों से मुकदमा लगवाना, एक्सीडेंट करवाना, गांजा रखवाना, दारू रखवाना, या चोरी करवा कर का मुकदमा लगवाना, या 110 की कार्रवाई करवाना, या धमका कर, या मारना, या पीटना, ये तो इनके पैसे में है। 88 मुकदमे तो सिमरिया थाना में दर्ज हैं जो फर्जी मुकदमे, और उनकी आज तक जांच नहीं हुई। उनकी जांच हो जाए तो पूरा फर्जी निकल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तो कमी है हमारे जिला में बैठे अधिकारियों की, जो व्यक्तियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगते हैं, वो लोग शिकायत करते हैं, उसकी जांच के लिए करते हैं, लेकिन केपीए त्रिपाठी द्वारा इतना दबाव बना के रखा गया सत्ता का कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो ये तांडव मचाया गया, झूठे मामले दर्ज कराए गए, अभी हाल ही में चुनाव हुए जनपद त्रिस्तरीय पंचायती राज के, जिला पंचायत, जो ये परिणाम रहे, क्या लगता है कि इसका कुछ असर रहा और वजह भी थी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, आपके सिमरिया विधानसभा में 4 जिला पंचायत 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 आते हैं। मैं तो ये मानूंगा कि आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर के भी आपके दोबा साइड के हैं और आपके बनकुनिया सर्किल के हैं, एक भी जिला पंचायत का सदस्य यदि भारतीय जनता पार्टी का जीता हो तो आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का संबल लेके केपी त्रिपाठी जिसका प्रचार करते थे, क्यों नहीं जीता? क्योंकि जनता जान चुकी थी और जनता जानती है कि केपी त्रिपाठी द्वारा ये फर्जी मुकदमे लगाकर जनपद, आप देख लीजिए, एक जनपद का सदस्य जबरदस्ती पैसे में खरीदना, और जनपद सदस्य भी यदि पैसे में आपने खरीदा तो अध्यक्षी कहाँ मिली आपको? आपके सवालों जवाबों से ऐसा लगता है कि केपी त्रिपाठी से क्षेत्र में असंतुष्टि है, क्या लगता है कि 4 वर्षों में जो कार्य किए हैं तो जनता कितना संतुष्ट है उनसे या संतुष्ट नहीं है, खुद वो भयभीत हैं जिसके चलते सब इस तरह से अनाप शनाप जो घटनाएं घटित हो रही हैं? बिल्कुल, हम तो ये मानते हैं कि केपी त्रिपाठी यदि विकास किए होते तो इतना भयभीत न होते। सिमरिया विधानसभा में केपी त्रिपाठी जब भी विकास की बात बोलते हैं तो जनता यदि उनकी कोई कार्यक्रम होता है और जनता खड़ी होकर बोलती है कि नहीं विधायक जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप 300 करोड़ के पत्थर की पूजा भर की है पूरे विधानसभा में, और आज दिनांक तक आपने हमारे यहाँ रोड बोला तो आज तक रोड नहीं है। एक रोड इन्होंने, एक दुबाहा गाँव है, एक मंदिर है दुबाहा हमारे क्षेत्र सिमरिया सर्किल में है, जो शायद ग्राम पंचायत कनौहा में आता है, उस दुबाहा में इन्होंने 2 साल पहले महाराज जी से कहा था कि महाराज जी मैं ये 7 दिन के अंदर आपकी रोड का काम लगाऊं, आज तक नहीं किया। एक रोड आपकी वहां की थी, क्या नाम से, हिम्मत नगर के पास प्यासियों का गांव है, एक द्विवेदी, शुभम द्विवेदी है, भगड़ा भड़रिया, उस रोड को भी इन्होंने आज तक कार्य नहीं किया, भूमि पूजन उसके करा दिए। तो देखिए, ये विकास की गाथा फेसबुक पर चलाते हैं, यदि इनका कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर ये हमला करवाते हैं, और ये फर्जी फेसबुकिया विकासिया व्यक्ति हैं। अक्सर अगर सिमरिया की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, तो जरमोहरा बांध की बात की जाती है, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में विकास हुआ, जरमोहरा बांध बना, क्या लगता है कि जिस तरह से फसलों को नष्ट कराया गया, जरमोहरा का क्या रोल है और विधायक जी का उसमें क्या रोल है? जब आप जब बात करें सोशल मीडिया में, फेसबुक या, तो अक्सर जिक्र आता है, तो कितना विकास महत्वपूर्ण है, क्या किया गया, क्या रोल था किसका इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पूछा है कि ये किसानों का मुद्दा है। हमारे सिमरिया क्षेत्र में एक पहाड़ी बेल्ट है, नदी के उस पार जितना रोड के उस पार पूरा बेल्ट है वो पहाड़ी बेल्ट है,
पहाड़ी बेल्ट से आपके बराहा से लेके और एक ज़मीनी स्तर आप मान लीजिए कि आपके बशामन व पूर्वा के नीचे तक कलौहा थनभरिया तक पानी जरम हो रखा था। इनके द्वारा पूर्व में अभी दो डेढ़ वर्ष पहले जो धान की अभी फसल एक वर्ष पहले आई थी तो वहाँ एक लोगों को भर नहीं आदिवासियों को भी जो शासन द्वारा नियमित करके और स्वीकृत किया जाता है कि आपको इस खेती में धान उगाने और गेहूं उगाने का टैक्स जमा करके आप इसकी फसलों का उपयोग करें। लेकिन विधायक सिमरिया क्या हम ये मानेंगे कि आप अन्न नहीं खाते? उनकी धान को कच्ची धान की फसल को आपने नष्ट किया। वो एक किसानों की थी, आदिवासी समाज की थी, मजदूरों की थी। रही बात जहाँ पानी की समस्या में, तो मैं भी उस जरमोरा जलाशय का 8 नंबर से TC मेंबर था, हमारे पिताजी 9 नंबर से थे और मैंने तो नहीं सुना कि आज दिनांक तक 4 वर्षों में मन्नी KP त्रिपाठी या किसी के व्यक्ति द्वारा या अधिकारी द्वारा एक टाली मुरुम या एक टाली सीमेंट या कहीं गिट्टी लगवाई गई हो नहर में, और उससे लगभग हमारे क्षेत्र के 12,000 किसान जो पंजीकृत हैं, जो जरमोहरा जलाशय से आधारित हैं, उनके द्वारा जरमोहरा जलाशय के सिंचाई का टैक्स भी दिया जाता है। क्या मानते हैं कि जो झूठे मामले दर्ज कराए गए, किसानों की फसल चौपट कराई जा रही है, लोगों पर हमला करवाया जा रहा है, इसके दोषी KP हैं? बिल्कुल KP त्रिपाठी हैं, इसलिए हैं कि उनके द्वारा जबरन भेजा जाता है कर्मचारियों को फसल रौंदवाज। देखिए उसमें भी एक कार्रवाई हुई थी, यदि अपन जरमोहरा जलाशय के SDO साहब को लें तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, उनको भी सस्पेंड किया गया, बिल्कुल रिटायरमेंट की कगार में थे और उन्होंने सही किया, उन्होंने मना किया, उन्होंने गाड़ी और JCB नहीं भेजा तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करवा दी गई। उन्होंने कहा कि हम फसल नष्ट नहीं करवाएंगे किसानों की। अभी हाल ही में जनपद CO के ऊपर हमला हुआ, एक आज भी आपके सथनी के सरपंच चुने गया लड़का समाज सेवी था, सनी समदरिया था, आपके ऊपर गोली चलवाई गई, आप नेता हैं, उनके ऊपर हमला करवाया गया, मीडिया वालों पर हमला करवाया गया, झूठे मामले दर्ज करवाए गए, तो क्या लगता है कि तानाशाही किस तरह की राजनीति कर रहे हैं क्षेत्र में? वहाँ की जनता, चूँकि आप जनता के बीच में रहे हैं, तो क्या जनता क्या मानती है किस तरह से इनकी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, अब आपको तो विदित है चूँकि इस चीज़ से आप भी प्रताड़ित हुए, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे, चूँकि आप जनता की आवाज़, हम सिमरिया भर की नहीं कहते, आप तो पूरे जिले, आप संभाग, जहाँ भी आपको जनता की आवाज़ मिलती है आप जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो जब ये मीडिया की आवाज़ दबाने का काम करते हैं तो इससे तो आपको समझ आना चाहिए कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाना या आपके मैडम के ऊपर। आप देखिए जनपद पंचायत CO का पूरा वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल में कहा गया कि हम तुमको ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे, नजी नहीं खत्म करेंगे, हम तुमको 2-3 दिन में तुम स्वयं हट जाओगे, ऐसा तुम्हारे साथ घटना कर देंगे। तो देखिए पूरा वीडियो ऑडियो सुनिए आप, ऑडियो को सुनने के बाद 3 घंटे में ये बसामन मामा के स्थान पर धर्मस्थली पर उसको परिणाम मिलता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो करते कहते हैं करते हैं, मतलब वो विधायक जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन विकास फेसबुक पर करते हैं, पर मार पीट कहने के 24 घंटे के अंदर 3 घंटे में घटना का जवाब दे दिया हमने। रही बात सनी समदरिया जी, देखिए सनी समदरिया एक युवा कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, आज वर्तमान में सरपंच पद पर चुना गया, जिसके पास स्वयं के चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है। आज लोग 20-25 लाख खर्च करके सरपंच बनते हैं, उसके पास तो पर्चे छपाने का भी पैसा नहीं था, लेकिन जनता के हित का काम किया, जनता के लोगों के बीच में जाके दौड़ा। तो ग्राम पंचायत सथनी का आज सरपंच हुआ है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाना, उसके ऊपर हमले कराना, लेकिन जनता उसके साथ है। और रही बात प्रमोद जी की, तो प्रमोद जी ने तो आम आदमी पार्टी से हैं, सिमरिया नगर पंचायत में बाजार बैठकी का मुद्दा उन्होंने उठाया, बाजार बैठकी का मुद्दा इसलिए उठाया कि बाजार बैठकी के इनके भाई KP त्रिपाठी के सिद्धू या सिमरिया के जो भी इनके साथ लफांगे जो भी जुड़े हैं वो बाजार बैठकी के नाम से उगाही करते हैं। शासन प्रशासन मानो वहाँ का पुलिस प्रशासन, तहसीलदार या वहाँ का जो भी प्रशासन, यहाँ तक मुझे जानकारी है पहला मामला ही इस तरह के नगर पंचायत को वसूली का आया था जिसमें मारपीट करते हुए देखे गए थे और आपने आरोप लगाया था कि ये विधायक KP त्रिपाठी के आदमी, इसके बाद ही शायद आपके गाड़ी पर आपके
सिमरिया स्थित घर में हमला भी हुआ था, तो क्या मानते हैं विधायक की सह पर ही सभी कुछ हो रहा था? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे विधायक की सह पर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रमोद शर्मा के ऊपर हमला होता है, प्रमोद शर्मा रिपोर्ट करने जाते हैं, उल्टा उन्हीं के आदमियों द्वारा स्कूटी का एक्सीडेंट दिखा के प्रमोद के ऊपर FIR कराई जाती है और प्रमोद जी शर्मा के द्वारा उसकी जमानत भी कराई गई, लेकिन आज दिनांक तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्हें जिन्होंने मारा? और प्रमोद जी स्वयं गवाह है, मैं प्रमोद जी को वहाँ से बचा के लेके आया था और मेरे ऊपर भी गोली चलवाई गई, मेरे ऊपर भी हमला किया गया, मेरे होटल के सामने जैसे मैं घर के लिए निकला था 12 बजे रात, इसकी भी रिपोर्ट की प्रति है मेरे पास। स्थानीय निवासी होने के नाते माने आप कारोबार भी करते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए, तो इस 4 साल में विधायक जी का जो कार्यकाल रहा, तो क्या जनता के बीच में इनकी क्या छवि है, और अगर जनता की तरफ से अगर आपसे पूछा जाए कि आपका क्या कहना तो क्या कहेंगे? देखिए 4 वर्षों में विधायक जी के क्रियाकलाप से पूरी जनता उब चुकी, जिसको बोलते हैं उबना। अब विधायक जी खिसियानी बिलारी खंभा क्या नोचे जैसे बर्डों पर, विधायक जी तो सिर्फ अब खंभा नोचने का काम करना चाहते हैं। सिमरिया क्षेत्र की जनता तो वो मौका तक ही है कि विधायक जी किस हाल में चुनाव मैदान में आए और हम उनके साथ क्या करें। भय का वातावरण बनाकर, हाँ भय का तो वातावरण ना होता तो ये मारपीट काहे होती, हर व्यक्ति के ऊपर दबाना, मारपीट कराना, मुकदमा लगवाना या फंसाना, ये तो देख लीजिए, तो सिमरिया आए हैं, सिमरिया के अलावा ने जगह देखिए ना, नहीं सुनोगे तो ED का छापा पड़ेगा, CBI का छापा पड़ेगा, तो ये तो विधायक ये तो बिल्कुल अपने आप को साहबुद्दीन मानते हैं, हम तो साहबुद्दीन। इनके गुरु तो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, लेकिन ये किसका आचरण करते हैं, साहबुद्दीन का? हाँ राजेंद्र शुक्ला जी साहबुद्दीन का तो आचरण नहीं करते, वो तो बिल्कुल शांति का, लेकिन ऐसा दूत अपना पाले हैं जो साहबुद्दीन का काम कर रहा है सिमरिया में, और ये साहबुद्दीन का तांडव चलेगा नहीं बहुत दिन, जनता सब जान चुकी है, जनता ऊब चुकी है। अक्सर देखा जाता है कि विधायक KP त्रिपाठी जब सिमरिया क्षेत्र में निकलते हैं बड़े भारी लाव लश्कर के साथ, सोशल मीडिया में लाइव करते हुए, दे गाड़ियां जल रही हैं, तो विकास करने वाले राजेंद्र शुक्ला जी भी निकलते हैं, पता नहीं चलता किसी को कहां जा रहे हैं, गया भूमि पूजन किया चले आए। KP त्रिपाठी जी का जो टेलर बाजी है, तो क्या किस तरह से है ये अपन लोग जहाँ प्रयागराज की स्थिति, UP की स्थिति जैसे, क्या सिमरिया में उत्पन्न करना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर देंगे? भागीरथी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, मीडिया के ऊपर करवा दिया, CO के ऊपर करवा दिया, अभी हाल ही में आया तहसील में बैठे एक वकील साहब ने कहा कि निर्मली अग्निहोत्री जी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा करवा दूंगा, क्या लगता है किस तरह से अब की बार जो चुनाव आएगा इस तरह से माहौल बनाना चाहिए, लोग डरेंगे इससे, और क्या किस इनकी क्या है अंदर से क्या भावना है? देखिए ये प्रयागराज की नगरी है, तीर्थों का राजा प्रयागराज है, और यहाँ तो किसी की नहीं चली है, बड़े हनुमान जी भी आपके बगल में लेटे हुए हैं। मैं तो इतना चाहूँगा कि शहाबुद्दीन भी तो इंसान था कि वो बना है, लेकिन बनना और मिटना, मोमबत्ती जलती बड़ी स्पीड, जिस प्रकार अपन माचिस की तीली को जलते हैं तो बड़ी तेज़ी से जलती है, लेकिन उसकी जब कड़ ख़त्म हो जाता है तो बहुत जल्दी बुझती है, तो मैं तो ये मानूंगा कि ये जुगनू जैसे, जैसे लाइट की जुगनू जलती है और गिर जाती है तो बुझ के ख़त्म हो जाती है। सिमरिया विधायक अपने आप को साहबुद्दीन का जो बार बार तर्ज दे रहे हैं, दबाना चाहते हैं, आपने अभी एक प्रश्न पूछा कि सिमरिया में जब लाव लश्कर के साथ जाते हैं तो इनको भय कि सिमरिया की जनता कहीं हमको कूट न डाले, सबसे बड़ा भय ये दिखाना चाहते हैं, आतंक दिखाना चाहते हैं। हम तो नहीं मानते, हम तो फेसबुक मीडिया में देखते हैं कि राजेंद्र शुक्ला सुबह 6 बजे उठ के ट्रैक सूट पहन के कोई विकास की गति चलती है, कोई रोड बनती है, पुलिया बनती है या कोई भवन बन रहा है तो उसका दौरा करते, दो व्यक्ति नहीं ले जाते। सिमरिया का गठन हुआ, पहले मिश्रा जी बने, फिर इसके बाद दूसरी बार उनकी पत्नी बनी, इसके पहले भी जो विधायक रहे अच्छा काम किए, आज भी जाने जाते हैं। जो विधायक KP त्रिपाठी जी विधायक चुने गए, सड़क पानी सुरक्षा रोजगार देने का वादा करते हैं, इसके बाद होते हैं लक्ष्मण आपके रामलखन शर्मा जी थे, डकैती से मुक्त करवाने के लिए कहा। आपके सिमरिया में बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, JP सीमेंट फैक्ट्री विधानसभा क्षेत्र में आती है, छोटे छोटे काम करके वहाँ रोजगार लोग चलाते हैं, उनका आरोप रहता है कि उनके साथ कभी ट्रैक्टर पकड़वा देना, दबाव बना देना, ठेकेदार को बंद करवा देना, नहीं काम किया तो दबाव पुलिस प्रशासन, तो किस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये किस तरह से परिपाटी डाली जा रही है, लोग एक रोजगार आप नहीं दिलवा पा रहे, रोजगार छीन रहे, दुकान बेचारा ट्रैक्टर फाइनेंस करवाए, ट्रैक्टर खड़ा करवा दे रहे हो, ये किस तरह का चल रहा है, कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सिमरिया में पूर्व विधायक राजमलखन शर्मा जी भी थे,
उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए अपना मन और तन धन तो उनके पास कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। हमारे क्षेत्र में उनको लोग बड़े भाव से लेते थे, किसी से कभी उन्होंने दलाली कुछ नहीं लिया। ये तो दलाली के रूप में सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी, चाहे वो जेपी फैक्ट्री हो, जैसा आपने कहा। देखिए, सिमरिया क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लांट हमारे जेपी फैक्ट्री में था, आज अल्ट्राटेक में बदल गया है। यहाँ के किसान लोग अपनी दो दो चार चार एकड़ ज़मीन रख के कंपनी को देके या पत्थर लेके टाली ट्रैक्टर करे कर्ज में बैंक से लेके और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन इनके द्वारा, मैंने तो सुना है कि इनकी कहीं ससुराल अच्छी ज्वार के आसपास विधायक जी के पी के अपने ससुराल वालों को, अपने साले ससुर और परिवार वालों को ये बेनिफिट देना चाहते हैं। उसके लिए जो किसान गरीब तबके का व्यक्ति है उनके ट्रैक्टर ये ठेकेदारों द्वारा और ही व्यक्ति त्रिपाठी को वहाँ मजदूरी में छवन बनी है। एक अनिल त्रिपाठी करके नाम का व्यक्ति है जो इसको इन्होंने मजदूर यूनियन का अध्यक्ष बनवाया और उसके द्वारा पूरी कार्यवाही करा के, हमने तो एक सुना था कोई बैजनाथ में पूर्व सरपंच क्या थे, वो ट्रैक्टर वक्टर ठेकेदारी काम करते थे, उनके द्वारा के पी त्रिपाठी ने कहा कि मेरे कार्यक्रम कराओ या ऐसा कराओ, तो उनने मना किया कि मैं नहीं कराऊँगा भाई, मैं क्यों कराऊँ, मैं तो अपना बनी मजदूरी करता हूँ। उनके यहाँ ज़बरदस्ती छापा डलवाना या कुछ कराना, एक अशोक सिंह थे जिला पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उनको भी अर्जेंट लगवाना, प्रताड़ित करना, तो इनके स्वभाव में है। और विकास की बात आप कहेंगे, इनके ससुराल वालों का गरीबी रेखा में राशन कार्ड सबका क्या क्या कहना। आपके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ जिसमें TI की आपने ऑडियो वायरल की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपने, जिसमें TI स्वीकार कर रहा था कि किस तरह से दबाव है, किस तरह से मामला हुआ, फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई, क्या देखते हैं इसको, किस तरह से देखिए, किस तरह से शिकार होते हैं अधिकारी। बिल्कुल सही, अभी आप वर्तमान में तो पहले देखे जेलर, जब CO कांड का भी मारपीट हुई, CO के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, उसके बाद उनको 307 में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। और KP त्रिपाठी के चहेते और मंडल अध्यक्ष बनकुइयाँ और उनके सिमरिया के लोग चाहते जेल चले गए, उनको मिलने जाना था, नहीं प्रशासन ने दिया अनुमति, तो हॉस्पिटल जांच के नाम पर गए और उसकी अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के आप औचक निरीक्षण, उसको बोलेंगे अपन औचक निरीक्षण में करने गए, अपने आदमी से मिलने और उनकी सुविधा को देखने, तो जेलर के ऊपर गाज गिर गई, उसको मीडिया ने उठा दिया या विपक्षी दलों ने उठा दिया। उसी प्रकार सिमरिया थाना में आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले अशोक गर्ग नाम के TI थे, जिनको विधायक KP त्रिपाठी द्वारा मैंने स्वयं आपके कॉफ़ी हाउस में मीडिया के समक्ष एक वीडियो कॉल उसमें करके बुला के मीडिया के सामने और रखा था कि आप देख लीजिए, ऑडियो दिखा था, हमने बात करते हुए पूरा ऑडियो चेक करवाया था, और वो उनको कहते हुए कि आप KP त्रिपाठी जी के साथ मिल जाएँ, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएँ, अपने किसी रिश्तेदार से कहलवा दें। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको तुरंत हटाया था, सस्पेंड किया था। इस प्रकार एक हमारे यहाँ आदिवासी था, मुनिंदा आदिवासी, उसको भी विधायक कह रहे थे कि तुम मेरे साथ चलो आदिवासी, उसमें सिवरी माता के कार्यक्रम में, वो नहीं गया, उसका ट्रांसफ़र करवा दिया, हालांकि विभाग समझ के उसका ही निजी विद्यालय के शिक्षकों को निकलवा दिया गया, शामिल नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिक्षक पर नहीं है, शिक्षक हो चाहे नगर पंचायत का डेली वेज का कर्मचारी हो, चाहे तहसील का डेली वेज कर्मचारी, अरे बैंक के चपरासी का काम जो झाड़ू पोछा करता था, जो इनके विरोध में इनका काम नहीं सुनता था, इलाहाबाद बैंक में विश्वकर्मा काम उसको निकलवा दिए, विष्णुगराग आपके सिमरिया में कृष्णा स्कूल में काम उसको निकलवा दिए, संतोष आचार्य जी को, पांडे जी को निकलवा दिए, नगर पंचायत से 3-4 कुशवाहों को निकलवा दिया इनने, 2 सीपरों को निकलवा दिया इन्हें जो डेली वेज के थे, 1 शुक्ला को निकल, अरे किसको किसको निकलोगे भैया, तुम अजगर बनोगे, क्या बनना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। ये विकास है विधायक का, ये विकास तो खैर आने दीजिए समय, पर मैं जन मीडियम के माध्यम से इतना जरूर कहूँगा कि एक बार टिकट KP को जरूर मिलनी चाहिए, चूँकि हमारे क्षेत्र से इन्होंने 500 करोड़ रुपये लूटे, चाहे वो शराब के नाम में लूटे हों इन्होंने, चाहे इन्होंने पुलिया के नाम में लूटा हो, चाहे इन्होंने नहर के काम में नाम से लूटा हो, चाहे रोड के काम से लूटा हो इन्होंने, चाहे भवन के काम से, इन्होंने करोड़ों का गौशालाओं के नाम से लूटा, गौशालाओं का भावसा किया, छमुआ स्टेडियम के नाम से लूटा हो या विद्यालय के काम से लूटा हो, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी और संगठन से कहूँगा, प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर से, कि एक बार KP त्रिपाठी को जरूर सिमरिया की टिकट दे, हमारे सांसद जी के बच्चे को ना दिए। ऐसा लगता है कि एक्सीडेंटल टाइप का विधायक बने, इसके बाद विधायक बनते ही शुरू कर दिया भरना, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि
किस इस तरह के भ्रष्टाचार हुए, इस तरह के दबाव बने क्षेत्र, तो ऐसा लगता है कि चार साल जो विकास होना था जनता की सेवा के लिए आए थे तो अपना सेवा शुरू कर दिया था और आज तक लगातार करते ही जा रहे हैं। हम लास्ट में इनको विधायक नहीं कहना चाहते, अब अपनी जवान गंदी इसलिए नहीं करना चाहते कि ये विधायक लायक है ही नहीं। किसी ने इनके बारे में टिप्पणी की थी आपके मीडिया के माध्यम से कि ये तो जो बस स्टैंड में लोग भागते हैं, चलो चलो रीवा सतना चलो, कटनी चलो, जबलपुर चलो, ये उससे भी गैर गुजरा है, ये विधायक लायक तो है ही नहीं है। और आपने अभी एक बार ये कहा कि इसको विधायक ही नहीं बचती है, तो हमारे पूर्व विधायक रामलखन शर्मा जी बोल गए थे, क्या कौन पाया कैसे क्या जरकेर खाऊदे लाग, है ना। तो ये संगठन भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया था पूर्व का, और बिना मेहनत इनको विधायकी वो पच नहीं रही हैं। और सिमरिया में तो मैं बार बार कहूँगा कि अच्छा छवि वाला व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी को चला सकता है, जैसे हमारे जनार्दन मिश्रा जी या उनके बच्चे कबीर जी हैं, ऐसे लोगों की हमारी भारतीय जनता पार्टी में सिमरिया विधानसभा में ज़रूरत है। लफंगे और गुंडे नहीं चाहिए भाई साहब, सिमरिया का पूरा गुंडा राज। बसावन मामा की धरती है ये, बसावन मामा और भैरव बाबा की धरती है सिमरिया में तांडव। आप सिमरिया के ले लीजिए, सिमरिया नगर पंचायत में चार साल में 9 CMO बदलते गए साहब, 9 CMO, 13 TI। जनता का काम नहीं कर रहे थे विधायक का, जनता का काम कर रहे हैं साहब, विधायक का नहीं करेंगे इसलिए ना गड़बड़ होगा भाई। जनता का काम विधायक कह रहे हैं कि उसका भवन मत देना प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 2022 में हर व्यक्ति को पक्का मकान दूंगा, विधायक के लोग कह रहे हैं कि उसका घर नहीं मिलना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलना चाहिए। तो विधायक जी ने पूछा, क्यों सीएमओ साहब आपने प्रधानमंत्री आवास क्यों दे दिया, तो बोला सर उस पात्रता थी उसकी, बोले ना उसको काटो, मेरे व्यक्ति को दो ना, जिसके चार घर बने हैं कमरे का पक्का बना उसको दो तुम, वो थोड़ा टाइल्स वाइल्स लगवा ले उसी पैसे से, उसकी जांच वाँच मत भेजना, सर्वे भी ना कराना। और उसने भेजा तो उसको तत्काल हटा दे। कुल मिलाकर चार साल से जनता त्रस्त है आपका मानना है, क्षेत्र की जनता? बिल्कुल मानना है मेरा, आप समझ लीजिए, आप ले लीजिए सिरमौर ले लीजिए, मनगावा ले लीजिए आप, गुड़ ले लीजिए आप, त्योथर ले लीजिए आप, देवतालाव ले लीजिए, मोगन ले लीजिए, क्या यहाँ का टीआई रोड ट्रस्ट होता है? पर सिमरिया में तो 15 दिन में टीआई चेंज हो जाता है। टीआई से मेरी बात हुई थी आज 2 साल पहले, अब वो नहीं है यहाँ। उनका कहना था कि सिर्फ इस क्षेत्र में ये दबाव रहता है विधायक का कि जो उनके आदमी हैं कोई अगर उनके खिलाफ शिकायत करता है तो काउंटर मामला दर्ज होना चाहिए, अगर उनका आदमी नहीं है तो उसकी विवेचना करो, मारपीट कर रहा है जांच के नाम पर काटो। तो जो आप बताए कि 188 मामले दर्ज हुए तो क्या उसी के परिणाम थे ये? बिल्कुल बिल्कुल, सिमरिया में डीडी पांडे थे, जब प्रमोद शर्मा जी के ऊपर हमला हुआ था, तो जब हमला हुआ ठीक हमला के होने के बाद टीआई साहब वहीं से गुजर रहे थे, प्रमोद जी ने फ़ोन भी लगाया, टीआई साहब उनके आदमी खड़े थे नहीं रुके, पर टीआई साहब को जबरन कहा गया कि इस मुकदमे को काउंटर मुकदमा बनाओ, तो काउंटर न बनवा के ज़बरदस्ती उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया प्रमोद जी के ऊपर। और थाना प्रभारी डीडी पांडे ने मना किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो तत्काल रातों रात उसको हटा दिया गया। कुल मिलाकर श्रमिक से लेके एक कारोबारी, छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़ा कार्यकर्ता, एक उद्देश्य है कि उनको दबाव बनाओ, उसके साथ आता है तो ठीक है, उनके शामिल हो जाता है गिरोह में तो ठीक है, नहीं तो कोई भी बड़ी से बड़ी कार्यवाही करवा दो जिसके चलते उसको बाहर रहना पड़े। छोटा नहीं, एक मजदूरी हा व्यक्ति, मैंने आपसे कहा बताया, स्वीपर, स्वीपर को बता दिया मैंने, मुनींद आदिवासी, एक सिंचाई विभाग का चपरासी है जो झाड़ू पोछा करता है, उनको इन्होंने कहा कि तुम आदिवासियों को जोड़ के मेरे पास लाओ, मैं सवरी माता का कार्यक्रम, तो उसने कहा मैं नहीं करूँगा, तो उसका ट्रांसफर इन्होंने मऊगंज साइड कहीं करा दिया था, पर विभाग ने उसको समझा और बिहान भय विभाग ने रोक दिया उसको, आज भी वो पदस्थ है सवरिया में। जो कार्यवाहियाँ होती हैं किसी के खिलाफ, 110 की कार्यवाही हो गई, जिला बदरी कार्यवाही हो गई, झूठे मामले दर्ज करा दिए, तो क्या लगता है कि क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो क्या नियमन है, लोगों को जाना पड़ता है न्यायालय की शरण में जाते हैं, इसके बाद उनको मिलता है, तो प्रशासन और ये सब बिल्कुल अंधा टाइप का हो गया, अंधा कानून चल रहा? बिल्कुल मैं मानूंगा, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जिनको अपन जिला न्यायाधीश कलेक्टर महोदय बोलते हैं कि देखिए किसी के ऊपर 110 की कार्रवाई यदि आचार संहिता चुनाव में लगती है तो आप उसको 110 की कार्रवाई यदि किए हैं और उसके ऊपर ऐसे कोई आतंक अपराधी नहीं है, मैं तो सिमरिया विधायक को बोलूँगा कि सबसे बड़ा अपराधी तो सिमरिया विधायक के भी त्रिपाठी है, करो ना जिला बदर, एक मुकदमा आपने कायम किया, अभी शराब की दुकान में घुसा आपने किया, सीओ को मरवाया आपने, करवाया नहीं करवाया, चूँकि वो विधायक है सत्ता पक्ष के,
और आपने छोटे छोटे लोगों को जो नहीं सुनता है या भारतीय जनता पार्टी के राय पर नहीं चलता है, आदमी स्वतंत्र है, उसका मत है वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेके, लेकिन सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी उन लामों को चिन्हित करके मनी कलेक्टर महोदय से व्हाट्सएप में भेज देते हैं और उनका दुरुपयोग करने के लिए कलेक्टर साहब यहाँ उनके बैठे हुए हैं। अच्छा जी, मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी कोई मामला आता है आपके सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो विकास का हो, विवाद का हो, मारपीट का हो, के पी त्रिपाठी के पास एक ऑप्शन होता है, अभय मिश्रा, वो उनका आदमी। ऐसा क्यों डरा हुआ, जो कि आप जुड़े हुए हैं, क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए, तो मेरे को लगता है कि ऐसा क्यों डर है, क्या क्षेत्र की वाकई क्षेत्र की जनता पूर्व विधायक के साथ है इसलिए डर है कि वो पूरे विरोधी देखते हैं, जैसे चोर होता ना तो उसको थोड़ा सा भी गाड़ी की अलार्म सुनाई तो लगता है उसको पुलिस आ गई, ऐसा डर क्यों है, ये डर के बारे में क्या लगता है? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि जब सारंग बजता है तो चोर भागता है, उसको लगता है कि कहीं पुलिस तो नहीं, सारंग चाहे वो एम्बुलेंस का ही क्यों ना हो, मीडिया में थोड़ी सी बात आ जाए तो बिल्कुल सीधे टारगेट एम्बुलेंस का ही सारंग क्यों ना हो, पर लगता है कि चोर को लगता है कि पुलिस आ गई। बिल्कुल, सिमरिया की पूर्व 5 साल इन्होंने 2008 और 2013 में वर्तमान विधायक को उनके विकास का भय देख रहा, जो अभय मिश्रा ने विकास किया है। अभय मिश्रा किसी को दूध नहीं देते ना किसी कुछ करते, लेकिन अभय मिश्रा ने उन 5 सालों में क्या कार्य नहीं किया, देखिए सिमरिया बधरा पुल, जलवार पुल, सिमरिया बनकुइया रोड, सिमरिया रीवा रोड, सिमरिया सिरमौर रोड, ककड़ेरी रोड, सिमरिया में ITI उन्होंने दिया, सिमरिया में कॉलेज दिया, सिमरिया में बकिया डैम से स्वच्छ पानी उन्होंने दिया, नगर पंचायत में लोगों को चलना सिखाया, और आपके पूरा नहरों का जाल उन्होंने दोबा, दोनों क्षेत्रों में दोबा से लेके और आपके ये बनकुइया सर्किल से लेके अपने केवटी और चचाई के पूरे लाश तक इन्होंने डलवाया। वो डर है, वो डर है कि उन्होंने विकास किया। सिमरिया की जनता आज भी अभय का ये कहती, हर व्यक्ति कहता है कि अभय को आने दो, वो तो अभय की बिछाई चादर पर, अभय के संगठन पर इनको मौका मिल गया तो ये सो गए, वरना तो हमें तो नहीं लगता था कि ये पार हो। मेरे चैनल में मेरे से ही सवाल पर जवाब दिया था कि मैं 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो अप्रत्यक्ष रूप से अभय मिश्रा जी को कहा था कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो उनसे क्या लड़ाई थी, वो तो क्षेत्र में नहीं थे, मैंने कभी अभी किसी भी इंटरव्यू में अपने चैनल किसी भी में नहीं देखा कि क्षेत्र के लिए बात किया हो, फिर ऐसा क्या कोई बात आती तो आप लड़ाई लड़ रहे थे, विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आप जनता के विकास के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे कि हम समस्याओं से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप नहीं कहते कि मैं वहाँ की समस्या से लड़ रहा हूँ, सीधे आप कहते मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ, सीधी सी बात है आज भी आपको डर बना हुआ है वहाँ के लोगों से, क्षेत्र की जनता से, विकास से, क्या मान नहीं, ये काहे का किस चीज़ में लड़ रहे हैं अभय मिश्रा से? अभय मिश्रा तो 4 वर्षों में सिमरिया तरफ देखे ही नहीं है। मैंने नहीं देखा कि किसी चैनल में किसी मीडिया में भी आया होगी। नहीं, जनता बताए। हाँ, अभय मिश्रा यदि किसी में उनके व्यक्ति का लगाव है, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट गई, गमी हो गई, या किसी के यहाँ निमंत्रण हुआ, अपने किसी व्यक्ति के जो पुराने उनके लोग हैं सिमरिया क्षेत्र, किन्होंने किसी व्यक्ति ने बुलाया, किसी ने बताया तो चले गए, तो इसमें उनको भय किस चीज़ का है? मतलब अभय का भय पहले से छा रहा है, अभी तो चुनाव 1 साल बचे हैं केपी जी, मतलब क्षेत्र का विकास छोड़ के आपस की लड़ाई ही चल रहा है। भाई आपस की लड़ाई क्या, हमें बताइए ना आप, कौन सा सींग जामा हुआ भैया, हमें बताइए आप, विकास की गति देखो ना, विकास करो ना, आप अभय मिश्रा के पीछे क्यों पड़ते हो? अभय मिश्रा तो अभी रीवा चुनाव लड़े हैं, सिमरिया आपके कोई झंडा लेके नहीं चले, कोई पताखा लेके नहीं चले। सात विधायक एक सांसद है, कभी भी हमने देखा कोई भी विधायक जो हार चुका है उसका नाम नहीं लिया, एक सिमरिया विधायक ऐसा है कि जब भी कोई बात आती है तो उनको, जब प्रत्याशी उनके भगत शुक्ला थे इस बार, मुनिराज पटेल थे, उनका भी नाम नहीं, आप विकास की बात नहीं करते, विरोधी की बात नहीं करते, एक आदमी, क्या क्षेत्र के लोगों को वाकई अभय मिश्रा का इतना क्षेत्र में दबदबा है, इतना इनको डर है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को, आखिर ये इसके बीच में जनता क्या चाहती है? हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में 6-7 लोग कैंडिडेट हैं और कांग्रेस में 15 लोग हैं, तो 15 में अभय मिश्रा का ही नाम क्यों आ रहा है? ये तो जनता भी वहाँ, हम लोगों ने भी जनता से बात की, जनता के पास गया तो वो भी जनता, अभय मिश्रा के नाम से भय है ना के पी जी, जिस दिन वो क्षेत्र में चले गए उस दिन क्या होगा तुम्हारा? सिमरिया के क्षेत्र की जनता के पी को लोग, जो भी उनके 2-4 चमचे लोग पाले हुए हैं, वो खबर दिया करते हैं सांझ रात कि आज अभय मिश्रा फलाने गांव के रहे हैं, फलाने के तिरही माँ, फलाने के कर्मे माँ, तो अभय मिश्रा के वही आतंक छा जाते हैं कि मैं संगठन, अरे तुमको तो कुछ बोले नहीं, तुम्हारे विकास गति में, जिसके यहाँ जाते हैं वो विरोधी हो जाता है उसके खिलाफ शासन प्रशासन, जिसके यहाँ अभय कुमार चले गए उसके यहाँ शासन प्रशासन का छापा डलवा देंगे, रिपोर्ट करवा देंगे, ट्रैक्टर भिड़वा देंगे, मुकदमा कायम करवा देंगे, ये पैसा है।
तो जनता जनता क्या करती है, ये तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैट खेल रहे हो, आप अभय मिश्रा और आप दोनों बैटिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, देखिए बिल्कुल बेचारी जो वो तरस रहे हो रही है ना, तो उसको पानी मिल पा रहा। अभी आप स्वास्थ्य विभाग की देखे होंगे, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, आप देखिए कि डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा वहां। मैं तो एक बात कहूंगा, मैं एक बात कहूंगा केपी त्रिपाठी जी को, केपी त्रिपाठी जी आप एक साल पहले ककड़ेरी गए थे कि हम यहाँ उसको बनाएंगे, पर्यटक बनाएंगे ककड़ेरी में, ये फलान ठिकान हमारी धरोहर है और मेरे पूर्वजों की, उन्होंने ये भी ऐसा पार्ट कहा था कि मेरे पूर्वजों की वो है। तो मैं तो कहूंगा कुछ पहाड़ी बेल्ट में जरा दो चार दिन आप रह के, रीवा छोड़ के जरा दो चार दिन रहिए, तो वहाँ के लोगों को देखिए कैसे क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, शाम की कैसे लाइट जब गोल होती है तो किस प्रकार रहते हैं, कैसे जल मिलता, कौन से झरने का कौन से कुएं का वो पानी पीते हैं। आखिरी सवाल, चार साल का जो कार्यकाल था, लगभग पाँचवा साल चालू हो जाएगा, चार साल, वो उसको क्या नाम देगी जनता के रूप में, अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ की जनता क्या कहती, तो क्या साठ में जनता तो ये कहना चाहती है कि ये फेसबुकिया शहाबुद्दीन का विकास है, 2008 और 13 का विकास जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया और उजागर दिख रहा सिमरिया का विकास। हम तो यही कह रहे हैं बार बार कि मैं नहीं कहता, सिमरिया की जनता कह रही है। मैं तो क्षेत्र में दौड़ता हूँ, मैं सिमरिया में रहता था, लोग थाना पुलिस पटवारी कचहरी हॉस्पिटल सब का काम रात दिन मदद करता था, आज भी करता हूँ और करता रहूंगा। पर केपी त्रिपाठी जी को अभय मिश्रा से भाई उनके नाम से है, और जो अभय मिश्रा के 10-25 पुराने कार्यकर्ता जो पुराने साथी हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन हम भी जानते हैं कि जिस दिन अभय कुमार सिमरिया में, तो अभी तक उन्होंने पैर ही नहीं रखा, किसी के गमी है किसी के सुख दुख में गए हैं वो अलग बात, लेकिन जिस दिन पैर रख देंगे, पी जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसलिए अभय मिश्रा का भय है। अभय मिश्रा तो जनपद और जिला या अभी चुनाव में आपने देखा होगा कि एक दिन कहीं बाहर नहीं गए, तुम तो 10 दिन दौड़े हो, दिन रात दौड़े हो, तुमने तो पैसे भी लगाए, रोज सभा किया, तो एक जिला पंचायत सदस्य को क्यों नहीं जिता लिया? अभय मिश्रा तो बता दो, तुम एक फोटो दिखा दो, एक वीडियो हमको दिखा दो, न होने के कारण ही जनप्रतिनिधि कहते हैं आपके माध्यम से कि केपी त्रिपाठी एक वीडियो दिखा दो अभय मिश्रा का कि जनपद या जिला पंचायत सदस्य के किसी का प्रचार करते हुए गए हों, और आप तो रोज करते थे, एक सदस्य जिता के बता दो, क्यों नहीं जिता पाए? प्रशासन भी था, प्रशासन शासन पुलिस सारा सब कुछ तुम्हारे पास है, क्यों नहीं जिता पाए तुम एक भी? उसका यही कारण कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, सिमरिया की जनता मछली तड़फड़ा रही है, हाँ तड़फड़, समय का इंतजार कर रही है, अब तो खेला होवे, समय का इंतजार करे। हम तो यही कहेंगे जनता बिल्कुल ताक पे बैठे, जिस प्रकार जनता को क्या दिखती है, अर्जुन को दिखा था क्या मछली की आंख, उसी प्रकार जनता को अभय मिश्रा दिख रहे हैं कि अभय मिश्रा कब सिमरिया आ जाए और हम कब उनको अपने हृदय में बसा लें, और इस दुष्ट राक्षस उसका खामियाजा तभी जनता भोग रही ना, अभी साल भर भोग गई, किसी के लाख झूठे मामले, आप बताए कि 188 मामले दर्ज करा दिए गए, लोगों के साथ 110 की कार्रवाई हो जाती, हमला करवा दो, इंजीनियर डॉक्टर वकील सभी परेशान, एक तहसीलदार अभी आए, तहसीलदार को तुरंत हटवा दिया गया, वहाँ के वकील हड़ताल में जाने के लिए तैयार नहीं। आप तहसीलदार को क्यों ना हटवाओगे? तहसीलदार से आपने कहा ऐसा करना ऐसा करना, तो तहसीलदार ने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँगा भाई, मैं तो एक कर्मचारी आदमी न्याय संगत उसको करूँगा, तो आपने तत्काल हटा दिया उसको। भाई आपका जो हमने इस बात को आपको कह तो चुका मीडियम के माध्यम से और कई बार आपके पास कहा कि इन्होंने चाहे तहसीलदार हो चाहे वो CMO हो चाहे वो प्राचार्य हो, जो भी इनकी नहीं सुनता उसको तत्काल ये हटा के दूसरा अपना व्यक्ति बैठा देते हैं। ये है मुख्य वजह विकास का, 4 वर्षों के विकास का कहना है ये भागीरथी शुक्ला जी का, जो शासन प्रशासन के साथ साथ विधायक से भी प्रताड़ित हो चुके हैं। यह थे समाज सेवी भागीरथी शुक्ला, जिन्होंने क्षेत्र के विकास और विधायक की तानाशाही के साथ साथ शासन प्रशासन की करतूतों की पोल खोली है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।